आज हम बात करेंगे कि स्टेयर केस की वेस्ट स्लैब की लेंथ किस प्रकार से निकालते हैं और उसका कंक्रीट वॉल्यूम किस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये एक स्टेयर केस की ड्राइंग है जिसमें आपको स्टेयर केस का क्रॉस सेक्शन दिया है और टॉप प्लान भी दिया हुआ है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक वेस्ट स्लैब है। वेस्ट स्लैब का कंक्रीट वॉल्यूम निकालने के लिए हमें तीन डायमेंशन पता होनी चाहिए, लेंथ, विड्थ और थिकनेस। वेस्ट स्लैब की लेंथ किस प्रकार से निकालते हैं वो आप वीडियो में आगे देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वेस्ट स्लैब की जो विड्थ है वो आप स्टेयर केस के टॉप प्लान में देख पा रहे हैं, 1175 mm दिया हुआ है और जो थिकनेस है 150 mm दिया हुआ है। वेस्ट स्लैब की लेंथ किस प्रकार से निकालेंगे वो हम पहले समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा प्लिंथ लेवल है। वेस्ट स्लैब की लेंथ निकालने के लिए हमें इसका ट्रायंगुलर बनाना पड़ेगा, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। अब इस ट्रायंगुलर में हाइपोटेनियस की जो लेंथ होगी वो हमारी वेस्ट स्लैब की लेंथ होगी। अब हाइपोटेनियस की लेंथ निकालने के लिए हमें बेस की वैल्यू पता होनी चाहिए और परपेंडिकुलर की भी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। बेस की वैल्यू निकालने के लिए हमें जितने भी हमारे ट्रेड हैं उन सभी को हॉरिजॉन्टली प्लेस करना होगा और सभी को ऐड कर लेना है, जिससे हमारे बेस की वैल्यू निकल आएगी। और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू निकालने के लिए हमें जितने भी हमारे राइजर हैं उन सभी को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देना है और उन सभी की वैल्यू को ऐड कर देना है, जिससे हमारे परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी वो निकल आएगी। अब हमने यहाँ पर बेस की वैल्यू को पता कर लिया है और परपेंडिकुलर की वैल्यू को भी हमने पता कर लिया है, तो इसलिए हम हाइपोटेनियस की वैल्यू को आसानी से निकाल देंगे। हाइपोटेनियस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की जो वैल्यू थी हमारी 1350 mm निकली थी और बेस की जो वैल्यू निकली थी 2250 mm निकली थी। अंडर रूट 1350 स्क्वायर प्लस 2250 स्क्वायर इक्वल टू 2623 mm हमारी वेस्ट स्लैब की लेंथ निकलेगी। अब हम इसका कंक्रीट वॉल्यूम निकालेंगे। कंक्रीट वॉल्यूम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई थिकनेस। नंबर ऑफ आइटम हमारी दो वेस्ट स्लैब दी हुई है, 2 × 2.623 × 1.175 × 0.15 = 0.924 क्यूबिक मीटर कंक्रीट वॉल्यूम निकला हमारी वेस्ट स्लैब का। इस प्रकार से आप वेस्ट स्लैब का कंक्रीट वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मिड लैंडिंग और स्टेप्स का कंक्रीट वॉल्यूम किस प्रकार से निकालते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।